अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ शाही टुकड़ा चॉकलेट रोल, और उसके लिए मैंने लिया है 6 ब्रेड के स्लाइसेस हैं। इनके राउंड साइड्स निकालकर कटिंग करके फिर इसको रोल किया जाएगा। ये 2 कप रबड़ी है, और इसको बनाने के लिए मैंने 1/2 लीटर दूध लिया और उसमें 4 से 5 टीबीएसपी शक्कर डाला भर भर के, और फिर उसको धीमी आंच पर पकाती रही यहाँ तक कि वो आधी हो गई। इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए काफी गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल रबड़ी बन जानी चाहिए। ये देखिए हमारी रबड़ी बिल्कुल तैयार है। तो 1/2 लीटर दूध की ये इतनी क्वांटिटी बनी है, लगभग 2 कप है, और इसमें 1 से 2 ड्रॉप केवड़े के जाएंगे। ये केवड़ा एसेंस यूज कर रही हूँ मैं, तो ये अभी मिक्स करके हटा लेती हूँ। ये देखिए ये बहुत हल्का सा डालना है। ये 100 ग्राम खोया लिया जिसको हल्की आंच पर भून लिया ताकि हल्का सा गोल्डन ब्राउनिश हो जाए और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाए। और दूसरी बात ये कि इसको कभी भी फ्रीज करने से पहले खोए को लाकर मैं हमेशा भून लेती हूँ, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है और ये खराब नहीं होता जल्दी। तो और ये तकरीबन 50 ग्राम डार्क चॉकलेट लिया है, इसके स्टिक्स इस तरह से काट लिया है, ये देखिए। और ये 2 टीबीएसपी ड्राई फ्रूट है, इसको बारीक सा चॉप कर लिया है। ब्रेड स्लाइसेस के ब्राउन साइड्स को हम लोग पहले कटिंग करके साइड में हटा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से सारे स्लाइसेस के ब्राउन साइड्स को निकाल देंगे। ये देखिए इन ब्राउन साइड्स को जो निकला हुआ है इसको वेस्ट नहीं करना है, इसके ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे बहुत अच्छे। सूख जाने के बाद इसको मिक्सर में ब्लेंड कर लेना है या पीस लेना है, तो ये बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स फ्रेश घर के बन जाएंगे। ब्रेड स्लाइसेस के किनारे हम लोगों ने देखिए इस तरह से काट लिए हैं, और अब इसको बेल लेते हैं ताकि ये फ्लैट हो जाए और रोल करने में आसानी हो जाए। ये देखिए इसको इस तरह से बेल लेना है दबा दबा के, ये बिल्कुल से चपटा हो जाए अच्छी तरह। और इस तरह से सारे स्लाइसेस को हम लोग बेल लेंगे। सारे स्लाइसेस को बेल कर रेडी कर लिया है, और अब इसको खोए और चॉकलेट से फिल कर लेते हैं। ये एक स्लाइस को यहाँ पर रखा एक बोर्ड पर, और उसमें थोड़ा सा खोया डालकर, ये देखिए इस तरह 1/2 टीएसपी के लगभग डालकर इसको फैला लिया। ये चॉकलेट स्टिक जो हमने कट करके रखी थी, आप कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हैं, मैंने डार्क चॉकलेट लिया है। अब ये खोए के ऊपर चॉकलेट स्टिक रख देंगे, मैंने डार्क चॉकलेट लिया है, आप कोई सी भी अपने पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अब इसको संभाल कर इस तरह से रोल कर देंगे, देखिए। और यहाँ पे चिपकाने के लिए हल्का सा पानी लगा देंगे तो ये चिपक जाएगा अच्छी तरह। और ये जो दोनों साइड्स हैं इसको खुले हुए हैं, तो इसमें भी हल्का सा पानी लगाकर इसको दबा देंगे, इस तरह से लॉक कर देंगे, नहीं तो ये तलने के दौरान बाहर आ जाएगा, चॉकलेट मेल्ट होके बाहर आ सकती है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से पैक कर दिया है। इसी तरह सारे रोल्स को रेडी कर लेना है फिल कर करके, फिर इसको डीप फ्राई करेंगे। और डीप फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डालकर धीमी आंच पर रख लिया है। तेल गरम हो गया है, और अब मैं इसमें ये रोल्स फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। तेल को अच्छी तेज आंच पे गरम कर लिया है, और अब इसको मैं धीमी आंच पे फ्राई कर रही हूँ। इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम होनी चाहिए, अगर बहुत फास्ट होएगी बहुत ज्यादा तो तेल गरम हो जाएगा और हमारा ब्रेड जो है वो बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन फ्राई हो जाएगा। और इसमें चम्मच लगाने का ख्याल रखिए, फौरन चम्मच मत लगाइए नहीं तो फटने लगेगा या टूटने लगेगा। चम्मच हल्के हाथों से संभाल संभाल कर बहुत चलाएंगे ताकि ये उलट पलट होता रहे, नहीं तो नीचे की ही तरफ खाली ब्राउन हो जाएगा और ये ऊपर वाला व्हाइट रह जाएगा। ये देखिए ये वाला क्रीमिश गोल्डन हो गया है, तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ इस तरह से।
सारे रोल्स को फ्राई कर लिया हमने। माशाल्लाह ये देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया है और बहुत क्रिस्पी लग रहा है ये। तो अब इस पे ये जो तैयार की हुई हमारी रबड़ी थी अब ये मैं डाल रही हूँ, इसमें जाएगी अच्छी तरह इसके ऊपर डाल देंगे ताकि ये सोक कर ले। और अब इस पे ये ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें आपको पसंद है तो डालिए लेकिन डालने में अच्छा लगता है। रबड़ी डालने के बाद आप इसको 10 से 15 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए ताकि ये रबड़ी बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर ले, बिल्कुल सॉफ्टनेस आ जाए। और इस पे आप चॉकलेट को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं ऊपर से, ये ऑप्शनल है। ये देखिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, अच्छा लगता है। शाही टुकड़ा चॉकलेट रोल हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, तो अब मैं इसको आपको काट के दिखा देती हूँ। देखिए बिस्मिल्लाह, ये देखिए आप इसको रूम टेम्परेचर पर या चिल करके भी सर्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से ये बहुत अच्छा लगता है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।